जो रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में तुमको महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है। जतिन आज बेहद खुश था। वैसे भी हर महीने की आखिरी तारीख उसके लिए खुशी ही लेकर आती, क्योंकि मोबाइल बज उठता है और मैसेज आता है सैलरी क्रेडिटेड और उसकी प्रसन्नता बढ़ जाती। ये महीना तो और भी खास है, क्योंकि इस महीने उसने कंपनी को काफी प्रॉफिट कराया और इसके एवज में एक मोटा इंसेंटिव उसे मिला। घर में कॉल करके उसने पहले ही कह दिया था कि आज खाना ना बनाए, वो खाना बाहर से लेकर आएगा, मगर हाँ थोड़े देर से आएगा, क्योंकि महीने के इस आखिरी दिन में वो पहुंचता है अग्रवाल एंटीक शॉप में, जहां से हर महीने वो एक एंटीक सामान खरीदता है। मिस्टर अग्रवाल की यह एंटीक शॉप शहर की सबसे बड़ी एंटीक शॉप में से है और उनका चैनल भी बड़ा जबरदस्त है। न जाने कहां कहां से कितने ही साल पुराने सामान वो लेकर आते हैं। एक समय मिस्टर अग्रवाल के बेटे को जतिन इंग्लिश पढ़ाता था, वहीं से उनसे पहचान हुई और तब से सिलसिला शुरू हुआ उसके शौक को पूरा करने का। इनके यहां से न जाने कितने ही एंटीक सामान उसने घर में ले जाकर रखे। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स का सोफा, लंदन के बहुत बड़े व्यापारी की दीवाल घड़ी और ऐसी बहुत से सामान। आज भी वो मिस्टर अग्रवाल के एंटीक शॉप में ही पहुंचा था। उसे देखते ही मिस्टर अग्रवाल बोले, अरे जतिन साहब आइए आइए, इस बार बहुत देर से आए। हाँ, पिछले महीने असली में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी तो पैसे नहीं थे, इस महीने थोड़ी इंसेंटिव अच्छी मिली है तो सोचा एक चक्कर आपकी दुकान की मार लूं। हाँ हाँ, बहुत अच्छे समय पर आए हैं, लंदन से एक खड़ी आई है, बहुत पुरानी। वैसे तो इसका मिल पाना संभव ना था, मगर मेरे चैनल से मैंने इसे बड़ी मुश्किल से मंगवाया, आप देखिए। अरे रहीमिया, जरा इन्हें वो घड़ी दिखाइए। अचानक दुकान के पास के कमरे से सफेद कुर्ता पायजामा और मुसलमानी टोपी सर में दिए एक व्यक्ति बाहर आया। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। अरे रहीमिया, कैसे हैं? बस मैं तो अच्छा हुजूर, आप बहुत दिन बाद आए, आइए आइए देखिए। पास के कमरे में बहुत सारी तरह के एंटीक सामानों का जखीरा खड़ा था, यही शायद अग्रवाल साहब का गोदाम था। वहीं पास में एक चेन लगी पॉकेट क्लॉक रहीम ने जतिन की तरफ बढ़ा दी। डायल खोलते ही आश्चर्यचकित हो गया था जतिन, घड़ी पूरी तरह से सोने की बनी थी। कितनी पुरानी होगी? 150 साल पुरानी है, देखिए ना घड़ी की कंपनी। अंदर कंपनी का नाम चमक रहा था, रॉयल एंड फिशर, जो ये बता रहा था कि सच में घड़ी 150-200 साल से कम पुरानी ना होगी। आजकल तो ये कंपनी भी बंद हो गई है, इसके सामान भी नहीं मिलते, मगर साहब की तो बात ही अलग है, मंगवा लिया है उन्होंने। तभी अचानक जतिन की नजर कमरे के कोने में रखे सफेद रंग के गुलदान पर पड़ी। उस गुलदान या फ्लावर पॉट को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया, बेहद सुंदर कारीगरी थी उसके ऊपर। हालांकि कमरे के अंधेरे कोने में रखा हुआ था वो, मगर उसमें से जैसे हल्का हल्का प्रकाश निकल रहा था और वही आकर्षित किया जतिन को। ये फ्लावर पॉट कितने का है? खड़ी वहीं रखकर वो फ्लावर पॉट की तरफ बढ़ गया और उसे उठाकर देखने लगा।
अरे उसे छोड़िए हुजूर, वो आपके लिए नहीं है। आप ये घड़ी देखिए ना। रहीम मियां घबरा से गए थे, मगर फ्लावर पॉट जतिन को इतना पसंद आया कि वो उसे ही खरीदने पर अड़ गया और बाहर अग्रवाल के पास पहुंच गया। अग्रवाल जी, वो फ्लावर पॉट मुझे चाहिए। सुनकर एक पल को जैसे अग्रवाल के चेहरे का रंग उड़ गया था, मगर फिर खुद को संभालते हुए बोले, अरे क्या बात कर रहे हो जतिन साहब, आपके लिए इतनी सुंदर घड़ी मंगाई। देखिए घड़ी तो बहुत महंगी होगी और अभी उसे खरीदने की मेरी हैसियत नहीं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आप किश्तों में ले जाइए। नहीं, उधारी में सामान खरीद कर शौक पूरे नहीं करूंगा, मुझे आप वो फ्लावर पॉट ही दे दीजिए। अंततः फ्लावर पॉट पैक कराकर उसके दाम चुकाकर जतिन चल पड़ा। उसे जाते देखकर रहीम बोला, ओ हुजूर, मैं अभी भी कह रहा हूं, उन्हें रोकिए। मगर अग्रवाल अंधविश्वासों को मानने वालों में से नहीं थे, पर फिर भी उनके मन में भी एक खटका जरूर लगा था। घर पहुंचकर जतिन ने फ्लावर पॉट को घर के कोने में रख दिया। फ्लावर पॉट बहुत सुंदर था, घर के सभी लोगों को पसंद आया। अगले दिन रविवार था। दोपहर करीब वो बहुत सुंदर गुलाब के फूल खरीद कर लाया। फ्लावर पॉट में गुलाब के अलावा दूसरे फूल अच्छे नहीं लगेंगे। फ्लावर पॉट में उन्हें सजाया। सच में फ्लावर पॉट घर की शोभा बढ़ा रहा था। जतिन की मां आनंदिता इसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई थी। जतिन की बेटी तितली बोल पड़ी, पापा आपने बहुत सुंदर सामान लाया है, हमारे घर तो बहुत सुंदर दिख रहे हैं, वाओ। जतिन की पत्नी शालिनी भी बेहद खुश थी। घर में कहने को 5 ही सदस्य थे, जतिन की मां, जतिन, उसकी पत्नी, उसकी बेटी और काम करने वाली श्यामा बाई। इसके अलावा घर में झाड़ू पोछा करने के लिए एक और बाई आती थी। शाम की चाय श्यामा बाई ने ऊपर बालकनी में रख दी थी। रविवार की शाम की चाय वो लोग इसी तरह से वहां बैठकर पीते थे। सभी बालकनी की तरफ चल पड़े, चाय पी रहे थे। एक तरफ तितली चाय में बिस्कुट डुबोकर खा रही थी और मजे ले रही थी। तभी अचानक जतिन को याद आया कि उसे एक इंपॉर्टेंट कॉल अपने बॉस को करना है, और देखा तो मोबाइल तो वो नीचे ही छोड़ आया था, अतः मोबाइल लेने वो नीचे चला गया। मगर अगले ही पल उसके चीखने की आवाज आई, मां शाली जल्दी आओ। सभी चौंक पड़े, अरे क्या हुआ, थोड़ा आराम से चाय तो पीने दे, जतिन की मां बोल पड़ी। नहीं जल्दी आओ तुम लोग। ओह ये लड़का भी चाय भी नहीं पीने देता है। वो दोनों नीचे आ गए और नीचे का दृश्य देखकर वो भी चौंक पड़े। गुलदस्ते में से गुलाब के फूलों को निकालकर बहुत बुरी तरह से तोड़ तोड़ कर जमीन पर बिखेर दिया गया था। किसी ने जैसे बेहद गुस्से के साथ ये सारा काम किया था। मगर घर के 5 सदस्यों के अलावा ना तो घर में कोई आया न गया, कौन कर सकता था ये। जतिन ने शालिनी से कहा, तितली कहाँ है, इस लड़की के पर निकलते जा रहे हैं, देखा कितनी बदमाश हो गई है। तितली, पिता की इस तरह से चीख सुनकर तितली थोड़ा भयभीत हो गई। उसके पिताजी सामान्यतः नहीं गुस्साते हैं, मगर गुस्साते हैं तो बहुत। वो किसी तरह से जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरकर नीचे आई। क्या हुआ डैडी, ये क्या क्या है तुमने, तितली चौंक पड़ी। कमरे में चारों तरफ गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी थी। मैंने तो कुछ नहीं किया डैडी, मैं तो आप लोग के साथ ऊपर थी। झूठ भी बोलने लगे हो तुम, आप मैं तुम्हें डर के मारे फूट फूट कर रो पड़ी थी बच्ची। उसके मुंह पर बार बार एक ही शब्द था कि उसने कुछ नहीं किया। अचानक जतिन की मां उसके पास आई, वो उससे लिपट गई। अच्छा अच्छा ठीक है, मत रो मत रो, क्या रे तू बच्ची को इस तरह से रुला रहा है, बोल रहे ना वो नहीं की है। जतिन ने अपनी पत्नी शालिनी से कहा, इसे थोड़ा संभालो,
बहुत बदमाश होती जा रही है ये। अरे मगर वो तो हमारे साथ ऊपर थी। फिर शांताबाई से कहकर घर की सफाई करा दी गई। उस दिन रात में सभी गहरी नींद में सो रहे थे कि अचानक शालिनी की नींद टूट गई। बाहर कुछ कुत्ते रो रहे थे। वो करवट लेकर सोने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक ऐसा लगा जैसे पीछे वाले कमरे में कोई चल रहा है और साथ साथ कुछ कह भी रहा है। क्या कह रहा है ये उसे समझ में नहीं आया। तितली नहीं रात को नीचे। तितली हमेशा उसके पिता द्वारा लाए गए एंटीक चीजों से बहुत आकर्षित होती थी। उन्हें छूने देखने की उसकी इच्छा हमेशा रहती थी मगर पिता के डर से वो ऐसा नहीं कर पाती थी। कुछ टूट टट गया तो फिर तो इसलिए कहीं रात को उस गुलदान को। शालिनी जल्दी से उठी। कमरे के कोने में पड़े हुए हॉकी स्टिक को उसने अपने हाथों में ले लिया। क्या पता कौन हो कमरे में। और चुपचाप दबे पांव सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। अभी भी उस कमरे में चलने की और गुनगुनाने की आवाज स्पष्ट आ रही थी। वो धीरे धीरे कमरे के पास गई और वहां पहुंचते ही चौंक पड़ी। कमरा बाहर से चिटकनी लगे हुए था। अरे अगर कमरा बाहर से बंद है तो ती अंदर कैसे गई। उसने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे के अंदर अंधेरा था मगर पास ही की खिड़की से स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी और उसी में उसने देखा गुलदस्ते के ठीक पास तितली की ही उम्र की एक लड़की टहल रही थी और वही वो कविता गाए जा रही थी। मगर कविता की भाषा शायद इंग्लिश में थी। शौक पड़ी थी शालिनी। पहले लगा जोर से चिल्लाए तितली का नाम लेकर मगर वो उसे पास जाकर रोकना चाहती थी, डांटना भी चाहती थी। जैसे ही वो उसके पास पहुंची, तितली इतनी रात को क्या करें यहां, उस लड़की ने गाना बंद कर दिया और पलट कर उसकी तरफ देखा। कमरे के आधे उजाले आधे अंधेरे परिवेश में शालिनी को लगा ये तितली नहीं है, कोई और ही है। उचेत कदमों से लाइट के स्विच की तरफ दौड़ी मगर तभी जैसे किसी ने उसके पैरों में अड़ंगा सा लगाया। वो हड़बड़ाकर गिरने ही वाली थी मगर खुद को संभाल कर उसने कमरे की लाइट जला दी। कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था मगर आश्चर्यजनक रूप से गुलदान थोड़ा सा हिलकर फिर स्थिर हो गया। चौंक पड़ी थी शालिनी। एक ही पल में कमरे से निकलकर ऊपर सीढ़ियों की तरफ चढ़ते हुए जोर जोर चिल्ला लगी, जतिन जतिन जतिन। जतिन की भी नींद टूट गई। उसे घबराया हुआ देखकर वो दौड़ कर आया और उसे अपने बाहों में थाम लिया। क्या 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 हुआ शालिनी, शालिनी शालिनी शांत हो जाओ शांत हो जाओ। शालिनी थर थर कांप रही थी। अभी तक जतिन की मां आनंदिता भी वहां आ गई थी। बहू क्या हुआ बेटा, अरे अरे। किसी तरह से शालिनी को बिस्तर पर लिटाया गया और उसे पानी पिलाया। उसी तरह से डरते डरते वो नींद के आगोश में चली गई। अगली सुबह उठकर उसने सारी घटना घर के लोगों को बताई। जतिन की मां बोल पड़ी, देख बेटा मुझे तो ये गुलदस्ता सही नहीं लग रहा, इसे वापस करा, ये अशुभ है। मां कैसी बातें कर रही है अंधविश्वास भरी,
कुछ नहीं होगा। अरे शालिनी ने कोई सपना देखा होगा। अरे तुम्हें तो पता है उसे नींद में चलने की बीमारी है, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। आप लोग भी ना। किसी तरह से उसने बात को टाल दिया। अगले दिन सुबह फिर से वो बहुत सुंदर गुलाब के फूल लाकर गुलदान में सजाया और ऑफिस चला गया। मगर उस दिन दोपहर फिर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। घर के सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तितली बैठक के कमरे में जा ही रही थी कि अचानक जोर जोर से चीखने लगी। सभी दौड़कर उसके पास आए। उन्होंने देखा तितली थरथर कांप रही थी और कमरे के अंदर बिखरे हुए थे गुलाब के वही फूल। तितली ने बताया कि जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची, उसने गुलदस्ते के ठीक पास एक लड़की को खड़ा देखा। कोई साधारण लड़की नहीं, वो अंग्रेज लड़की थी जिसके शरीर कोरा, बाल सुनहले, दो चोटियां बांधे और फूल फूल वाले फ्राक पहने हुई थी। अचानक तितली को देखते ही वो गायब हो गई और गुलदान हल्का सा हिलकर स्थिर हो गया। तुरंत ही जतिन को फोन किया गया और सारी बातें बताई गई। जतिन ने उन्हें शांत रहने की बात कही। शाम को वो आकर मामला देखेगा। इस बीच झाड़ू पोछा करने वाली बाई ने भी ठीक ऐसी ही घटना घटने की बात कही। सब अत्यधिक भयभीत थे। जतिनों ने समझाया और अगली सुबह अग्रवाल से बात करने की बात कही। मगर उस रात जतिन खुद इस बात को देखना चाहता था, इसलिए घर के सबके सो जाने के बाद दबे पांव वो कमरे से बाहर निकल आया। उसने पहले से इस बारे में शांताबाई से बात कर रखी थी। अकेले इन घटनाओं का निरीक्षण करना सही न था। अगर कुछ चोर और जैसी घटना होती तो अकेले मुसीबत में फंस सकता था। घर के सभी लोग डरे हुए थे, इसलिए उन्हें इस मामले में शामिल करना उचित न था। शांताबाई गांव की लड़की थी, हिम्मती, वो मदद करने के लिए तैयार हो गई। धीरे धीरे जतिन सीढ़ियों से नीचे उतरा। शांताबाई वहीं पास में खड़ी थी। घड़ी देखा, रात के 12:15 बज रहे थे। मगर जैसे ही उस कमरे के पास पहुंचा, चौंक पड़ा। कमरा बाहर से बंद था, मगर अंदर किसी के टहलने और गुनगुनाने की आवाज स्पष्ट आ रही थी। शांताबाई बोल पड़ी, साहब साहब, हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आप अंदर मत जाइए। जतिन ने शांताबाई से कहा कि अगर उसे डर लग रहा है तो वो जा सकती है, मगर वो जानकर रहेगा आखिर हो क्या रहा है उसके घर में। उसने हीरे से दरवाजा खोला। शांताबाई लाइट के स्विच के पास जाकर खड़ी हो गई। उसका यही काम था कि अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो जतिन उसे इशारा करे और वो लाइट चला दे। गुलदस्ते के पास एक लड़की टहल रही थी। जतिन धीरे धीरे उसके पास गया। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उसने महसूस किया कि तितली और काम वाली बाई गलत नहीं कह रहे थे। वास्तव में सच में लड़की अंग्रेज है। गोरी त्वचा, सुनहले बाल और फूल फूल वाले कपड़े पहने। जतिन चीख पड़ा, कौन हो तुम, कौन हो तुम, यहां कैसे आई? मगर लड़की ने कोई भी जवाब ना दिया। जतिन ने अचानक शांताबाई को लाइट जलाने का इशारा किया। शांताबाई लाइट जला पाती उससे पहले ही एक मुसीबत हो गई। अचानक न जाने कहां से एक चाकू आकर उसके सीने पकड़ गया। किसने चाकू फेंका पता नहीं। जतिन दौड़ कर गया और कमरे की लाइट जला दी। कमरे में कोई न था, मगर गुलदान थोड़ा सा हिलकर स्थिर हो गया। शांताबाई के घाव से धड़धड़ाकर खून गिर रहा था। उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। अगली सुबह ये बात हर तरफ फैल गई। पुलिस आई, लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई। जतिन से काफी जिरह किया गया।
अग्रवाल को जब इस बात का पता चला तो वो भी पहुंचे। पुलिस के बड़े अधिकारी उसके पहचान में थे। उन्होंने जैसे तैसे केस को रफा दफा किया। कमरे में अग्रवाल, जतिन और उसका परिवार बैठा हुआ था। अग्रवाल कह रहे थे, मुझे खेद है, मुझे आप लोगों को ये गुलदस्ता नहीं देना चाहिए था। हालांकि इसके बारे में कुछ बातें सुनी थी मैंने, मगर मैंने भी उसे अंधविश्वास समझा। पर अब मैंने पता लगाया, ये गुलदस्ता सच में अशुभ है। ये जिसके पास भी रहा है वो उसके साथ ऐसी घटनाएं अवश्य हुई हैं। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। अचानक शालिनी उठी और गुलदस्ता हाथों में लेकर बोली, इस विनाशी गुलदस्ते को नष्ट कर देना ही सही है। और इसके साथ ही उसने उसे जमीन पर दे मारा। कांच के टूटने की आवाज से घर गूंज उठा और गुलदस्ता टुकड़ों टुकड़ों में बट गया। और तभी सबकी नजर पड़ी उसके अंदर से निकला एक कागज के टुकड़े पर। जब उसे खोलकर पढ़ा गया तो उसमें लिखा था, दिस इज लिविंग प्लेस ऑफ डेविल, सो डोंट ब्रिंग इट नियर, पुट इट अंडर द अर्थ और यू विल इन ट्रबल। चौंक पड़े थे सभी, मगर सबने सोचा चलो जो भी हो, मुसीबत से पिंड छूटा। सबको विदा करके वो अपने घर में आए ही थे, कमरे के कोने को देखकर चौंक उठे। वहां गुलदस्ता स्थिर खड़ा था, जैसे कुछ समय पहले उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। गुलदस्ता सबसे पहले खरीदा गया था सन 1895 में इंग्लैंड के एक अमीर व्यक्ति शेफर्ड द्वारा। उसने इसे खरीदा था अपनी सबसे छोटी बेटी मार्गेट को उसके जन्मदिन पर गिफ्ट देने के लिए। मार्गेट को गुलदस्ता बहुत पसंद आया। वो उसे हमेशा अपने साथ रखती थी, जैसे उसकी गुड़िया हो। साथ लेकर सोती, किसी को छूने न देती, और अगर किसी ने उसमें फूल सजाने की कोशिश की तो वो फूलों को टुकड़े टुकड़े करके फेंक देती थी। मार्गेट स्वभाव से बहुत चंचल और बदमाश थी। उसके क्रियाकलाप अक्सर घर वालों को परेशान करते रहते थे। एक दिन मार्गेट ने अपने पिता के सामान को बिखेर दिया, जिसमें बहुत जरूरी कागजात थे। पिता अत्यंत क्रोधित हुए और एक जोरदार थप्पड़ मार्गेट को जड़ दिया। मार्गेट दूर छिटक गई और उसका सिर दीवार से टकरा गया। वहीं उसकी मौत हो गई। बेटी की मौत के बाद पिता अत्यंत दुखी हुए। उन्हें बहुत ज्यादा ग्लानी थी और मार्गेट की बहुत याद आ रही थी। तब उन्होंने डेविल की पूजा करने वाले एक शैतान पादरी को बुलाया और मार्गेट की आत्मा को गुलदस्ते में कैद कर लिया। हर रात मार्गेट उस गुलदस्ते के जरिए अपने पिता से मिलने आती थी, मगर मार्गेट का स्वभाव मरने के बाद भी नहीं बदला था। वो धीरे धीरे एक अपवित्र आत्मा या डेविल में परिवर्तित हो रही थी, जो लोगों को नुकसान पहुंचाने में बहुत ज्यादा खुश होती थी। एक दिन अचानक मार्गेट के पिता का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और उन्हें पागलखाने में भर्ती करना पड़ा। उसके बाद गुलदस्ता बेच दिया गया, मगर जिसके पास भी वो आया उसने उसे नुकसान ही पहुंचाया। अंत में चर्च के कुछ पादरियों ने मिलकर गुलदस्ते को जमीन में गाड़ दिया था, मगर दोबारा गुलदस्ता वापस आकर लोगों के पास पहुंचने लगा। अचानक जतिन को कॉल आया उनके कामवाली बाई के बेटे का, जिसके अनुसार उसकी मां खून की उल्टियां करते हुए सुबह ही मर गई। चौंक पड़ा था जतिन। तभी अचानक शालिनी उल्टी करने के लिए बाथरूम में गई और जब बाहर लौटी तो उसके मुंह पर खून लगा था। धीरे धीरे यही प्रक्रिया बढ़ने लगी। घबराकर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। दूसरी तरफ जतिन ने अग्रवाल को फोन किया। उसने कहा, जतिन बाबू, मैंने एक पादरी से बात की है, आप गुलदस्ता लेकर जल्द से जल्द आ जाइए।
हम उसे जमीन में काट देंगे। शालिनी की हालत बहुत बुरी हो गई थी, उसे किसी तरह बचाया गया था। जतिन गुलदस्ता लेकर उसी कब्रिस्तान में पहुंचा जहां अग्रवाल ने उसे बुलाया था। फादर बाइबल की आयतें पढ़ते हुए कब्र खोदकर गुलदस्ते को जमीन में गाड़ रहे थे, मगर उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि उनसे कुछ दूरी पर एक नशेड़ी खड़ा था जो अपनी नशीली आंखों से सारी घटना को देख रहा था। किसी तरह से गुलदस्ते को गहरे जमीन में गाड़ दिया गया। सबने शांति की सांस ली। शालिनी भी अब खतरे से बाहर थी और उसका परिवार भी। दुख की बात बस यही थी कि काम वाली बाई को बिना मतलब अपनी जान गंवानी पड़ी। रात का गहरा अंधेरा फैला हुआ था। कब्रिस्तान सन्नाटे में भरा था। तभी अचानक जमीन पर कुदाल चलाने की आवाज गूंजने लगी। सवेरे जो नशेड़ी दूर खड़ा होकर सारी घटना देख रहा था, इस वक्त वही जमीन खोद रहा था। जमीन खोदते खोदते अचानक गहराई पर पहुंच गया और उसके हाथों में गुलदस्ता आ गया। उसकी आंखें चमक उठी। चलो कुछ दिनों की नशे के पैसे की व्यवस्था हो गई। कहीं आप भी तो ऐसे किसी एंटिक सामान को खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है, या आपका शौक तो नहीं है, तो इस कहानी को सुनकर दोबारा सोचिए, क्योंकि अगर ऐसा ही कोई एंटीक अभिशप्त सामान आपकी जिंदगी में आ गया